हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा रूम था। एक्चुअली ये एंट्रेंस है, ये बीटू है, ये बाथरूम था। देख सकते हैं, देखिए। और ये हमारा रूम थोड़ा मैसी हो गया है। यहाँ हम करीब 2 वीक्स रुके हैं, और ये बालकनी तो उसमें नहीं थी। देखिए, रूम थोड़ा मैसी है क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है पेरिस का। ठीक ठाक रूम था, बड़ा था, होटल ओके ही था। कुछ सबसे प्रॉब्लम थी यहाँ पे, एक क्लीनिंग वाला वीकली वंस ही आता। हाँ, और देखिए बेटू, और ये छोटी सी किचन थी। हाँ, वो स्विट्जरलैंड का बता रही है, तो ठीक है, इट्स ओके है। ये देखिए, थोड़ी सी किचन थी, ये है बाहर का व्यू। देखिए सामने ही बच्चों का झूला पार्क भी है, तो एक अच्छी चीज थी। क्या कहना है बताओ, आप कहाँ जा रहे हो आप? बैकू, आपको बैंगलोर में जाना है कि यही रहना है? पेरिस बैंगलोर में आपको क्यों अच्छा नहीं लगा? जाना अच्छा, घूमने आए थे आपके बाद? क्या क्या घूमा था आपने पेरिस में? म्यूजियम, अपार्टमेंट, एंड वो भूल गए, एफिल टावर किसने देखा था? क्या देखा था आपने? एफिल टावर घूमा था? अच्छा, एफिल टावर नहीं घूमा था आपने? लाइटिंग वाला देखा था? और बिग बस में बैठा था, बड़ी वाली बस में? तो बेटू ने भी काफी एंजॉय किया। हाँ, वो रिकॉर्डिंग ठीक है। चलिए, ये हम लोगों का होटल देखिए, 709 रूम नंबर है हम लोगों का। ओके, होटल है, कोई ठीक ठाक है। छोटी तो जल्दी आओ, ये बेटू आ रहा है। ये गेट कैसे खोलता है, खोल के दिखाओ। बेटू ने सब कुछ लर्न कर लिया। वाह, जल्दी से करके आओ। ये देखिए हम लोगों का रूम मैसी है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं, तो बस है। जल्दी जल्दी करके आओ। पापा ऑरेंज वाला लाए ना, एक एक वो लाए, एक वो लाए, लेके तो आ गए पापा। आपके लिए ग्रेप्स वाला भी लाना है। ओके, पापा लेके आ रहे हैं। ये हमारा ऊपर वाला रूम था, रेजिड होम, वो जो आपको बोर्ड दिख रहा होगा होटल का, रेजिड होम। इसमें हम लोग 2 वीक्स रुके। होटल ठीक था, पास में झूला पार्क था। बस आज लास्ट दिन है पेरिस में। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अपना होटल चेकआउट कर दिया है। अभी अपना सामान मैं यहाँ रख दिया हूँ उनके लगेज रूम में, क्योंकि फ्लाइट यहाँ से नाइट में 8 o'clock में है, तो हम लोग यहाँ से 3:30 या 4 निकलेंगे। तो अभी बजा है 12:30 अराउंड, तो अभी हम लोग जाएंगे खाना खाने, वो इंडियन रेस्टोरेंट पंजाबी हवेली, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा खाना है उसका, तो हम उसी के यहाँ खाना खा के कुछ पार्सल करा लेंगे। और फिर एक टैक्सी बुक कर दिया 3:30 पे फोर्ट पर, तो फिर वहाँ से एयरपोर्ट। देखिए ये लोग भी आ रहे हैं। जाओ मम्मी के पास जाओ जी। हम पेरिस एयरपोर्ट पे आ गए, अभी बजा है 4:05 o'clock। हम लोगों का लगेज चेकिंग वगैरह हो गया है,
तो अभी भी हम लोगों के पास 3 आवर्स हैं, तो आराम से बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। वेयर आर यू गोइंग? व्हाट? कम, वी हैव टू गो दैट साइड, दिस साइड। तो 8 बज गया है, हम लोगों की फ्लाइट है, बस 15-20 मिनट में चलेगी। तो ये जो बैंगलोर दिल्ली पहुंचेगी आफ्टर 8 आवर्स। व्हाट आर यू डूइंग बेटो? तू अपना गेम खेल रही है। व्हाट आर यू डूइंग? बैंगलोर में आपका स्वागत है। देखो बोला उसने, बैंगलोर में आपका, बैंगलोर आ गया। ये आप भी आप आ गए बैंगलोर? अब आप डीए क्या करोगे घर जाके बताओ? ओके, किसके साथ? और ईशु के साथ नहीं? पेरिस में तो आपका कोई फ्रेंड ही नहीं था। पर वो बात, आपसे बात तो कोई करता ही नहीं था पेरिस में। अच्छा, वो इंग्लिश नहीं जानते थे? पर आपको रेस्टोरेंट तो मिला था ना जो हिंदी भी जानता था। तो अभी 5 बजे और हम लोग आ गए हैं बैंगलोर, तो यहाँ से अभी 1.5 घंटा और लगेगा, तो 6:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फिर आपने एंजॉय किया फ्लाइट में? थोड़े से टायर्ड हो गए हैं, ताकि आप बस आराम करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर मंदिर जाएंगे। आज शिवरात्रि भी है, देखिए चलो। तो अच्छी जर्नी रही, वैसे तो कोई दिक्कत हुई नहीं। थोड़ा सा लुफ्तांजा की जो फ्लाइट कैंसिल हुई, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को, और बेटू खेल रहे हैं। अच्छा लगा, चलो बने रहिए, बाकी जो पूरा अपडेट रहेगा वो देखिए।